गुड मॉर्निंग, गेट क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप हमारी इस फ्री गेट कोचिंग को अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, मेरा अगले क्लास का नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुँच जाएगा। आज का जो हमारा अगला श्योर शॉर्ट टॉपिक है वो है सोमरफेल्ड नंबर। ये मशीन डिज़ाइन के अंदर एक चैप्टर है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स उसका हिस्सा है और गेट आईएएस और गवर्नमेंट जॉब सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी क्या कि कोई भी शाफ्ट अगर घूम रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बेयरिंग और शाफ्ट की घूमने में मदद करता है एक बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग्स दो तरह के होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग जिसके अंदर होते हैं रोलर्स या बॉल्स, और आज हम पढ़ेंगे एक होते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। सिंपली स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के अंदर कुछ नहीं, सिंपली जो शाफ्ट है, शाफ्ट ये शाफ्ट है, ठीक है, और हमारे पास एक प्लेट है उसके अंदर होल है, होल है या फिर बुश है, ठीक है, तो हम शाफ्ट को उस होल के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस इज माई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब ये शाफ्ट घूमती रहेगी, ठीक है, जो होल है या बुश है वो स्टेशनरी रहेगा और शाफ्ट घूमती रहेगी। ठीक है, बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम सहायता लेते हैं लुब्रिकेंट की। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि हम इसमें बीच में लुब्रिकेंट की एक फिल्म बना के रखते हैं। ये मेरे पास एक वॉल आ गई या मेरा मशीनरी ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बीच में जो बड़ा होल आपको नजर आ रहा है, बड़ा जो सर्कल नजर आ रहा है, दैट्स बेसिकली माई रेडियस ऑफ द होल और बुश। ये होल का या बुश का डायमीटर है, होल का या बुश का डायमीटर, ठीक है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये जो सर्कल है, दैट्स माय सर्कल और दिस इज माय डायमीटर, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, राजे शाफ्ट का वो हिस्सा जो बेयरिंग के अंदर होता है उसे हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, शाफ्ट का वो हिस्सा जो बेयरिंग के अंदर होता है उसे हम जर्नल बोलते हैं, इसलिए हम इस बेयरिंग को जर्नल बेयरिंग भी बुलाते हैं। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक टॉपिक निकल के आता है सोमरफेल्ड नंबर, एंड इट इज एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक, बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। तो सोमरफेल्ड नंबर है क्या? ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। सोमरफेल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की डिजाइनिंग में हमारी मदद करता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करता है सोमरफेल्ड नंबर, उसमें हमें ये चाहिए होता है। ठीक है, तो सोमरफेल्ड नंबर डायमेंशनलेस नंबर है जिसे हम लिखते हैं एस से, कैपिटल एस, दैट्स माय सोमरफेल्ड नंबर, डायमेंशनलेस नंबर है। और इसकी वैल्यू क्या है? इट इज सिंपली जेड एन बाय पी इंटू आर बाय सी होल स्क्वायर। ठीक है राजी, गेट के एग्जाम्स में कई बार आया है ये, कई बार आया है ये, और आपको करना कि आपको सोमरफेल्ड नंबर का सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोमरफेल्ड नंबर एस इज इक्वल टू जेड एन बाय पी आर बाय सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एस क्या चीज है? एस इज सोमरफेल्ड नंबर जिसकी वैल्यू हमें गेट के एग्जाम में फीड करनी होती है। ठीक है, वट इज जेड? जेड इज विस्कोसिटी, जो लुब्रिकेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो जेड उसकी विस्कोसिटी है। ठीक है, विस्कोसिटी या फिर इसे बुलाते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर हम इसे बुलाते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। मैंने यहां पे जेड से रिप्रेजेंट किया, आप इसे जनरली म्यू से भी फ्लूइड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? इसकी यूनिट्स जो जनरली आपको क्वेश्चन में मिलती हैं वो होती हैं पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड जो जनरली इसके एग्जाम्स में जो यूनिट आती है इट इज पास्कल सेकेंड, या फिर इसकी यूनिट आती है पास्कल। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगली इसकी जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट इसकी इस्तेमाल होती है। दूसरा राजे, न्यूटन खुद क्या है? न्यूटन खुद एक फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? मास, मास होता है किलोग्राम, ये बेसिकली क्या बन जाएगा? मास होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा न्यूटन आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, तो सेकंड से सेकंड एक कट रहा है, मीटर से मीटर कट रहा है। ठीक है, तो एक और यूनिट जो एग्जाम में आती है वो आती है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ठीक है, एक ये यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मतलब एसआई यूनिट या फिर एमके एस यूनिट से, एक सीजीएस
यूनिट के अंदर भी हमारे पास एक यूनिट है जिसका हम प्रयोग करते हैं क्या, दैट इज पॉइस। ठीक है, एक और यूनिट जो हमारे पास इस्तेमाल आती है वो होती है पॉइस, पॉइस। ठीक है, और इसका कन्वर्जन कैसे होता है, वन पास्कल सेकेंड, एक पास्कल सेकेंड यानी कि एक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है 10 पॉइस के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 10 पॉइस के। ठीक है, तो 1 पास्कल सेकेंड ये बराबर है 10 पॉइस के। राजी, इससे आगे कन्वर्जन आप इंजीनियर आप खुद कर सकते हैं, जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, उसी तरह से एक पॉइस में 100 सेंटीपॉइस होते हैं, 100 सेंटीपॉइस। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम में राजी ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान रखना, अगर यूनिट्स के अंदर है पास्कल सेकेंड तो विस्कोसिटी किसमें, पास्कल सेकेंड में, और जनरली एग्जाम्स में ही गेट की बात कर रहा हूं उसके अंदर कौन सी यूनिट्स आज तक देखने को मिली है, एक मिली है मेगा पास्कल। ठीक है, अब जानते हैं 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 पास्कल्स। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको मालूम है। एक और यूनिट जो गेट के एग्जाम में देखने को मिलती है वो स्मॉल एम, स्मॉल एम पास्कल्स। ठीक है राजी, ये है मेगा पास्कल और यह है मिली पास्कल, मिली पास्कल। ठीक है, तो ध्यान रखना यार, जब भी तुम क्वेश्चन करो यूनिट्स का ध्यान रखना, मिली पास्कल। तो एक मिली पास्कल ये बेसिकली क्या होता है, 10^-3 पास्कल्स। याद है ना, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, इसी तरह से एक पास्कल में, एक पास्कल में 1000 मिली पास्कल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो कन्वर्जन्स हैं जिनका हम गेट के एग्जाम में प्रयोग करते हैं। तो यूनिट्स हमें किसमें डालनी है, विस्कोसिटी यूनिट हमें डालनी है पास्कल सेकंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एन, एन क्या चीज है, एन इज रोटेशंस पर सेकंड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एन क्या चीज है, रोटेशंस पर सेकंड। राजी, ये आरपीएम नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आरपीएम में दिया जाता है, आप उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रोटेशंस पर सेकंड। तो एन ये है मेरा आरपीएस, रोटेशंस पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद R, R क्या चीज है राजे, R इज रेडियस ऑफ द जर्नल। आपको बताया था अभी जर्नल शाफ्ट का वो हिस्सा है जो बेयरिंग के अंदर है। ठीक है, तो उस शाफ्ट का जो रेडियस है, जो उस जर्नल का रेडियस है, दैट इज माई स्मॉल R। ठीक है, स्मॉल R। और ये C क्या चीज है, C है रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, C क्या चीज है, रेडियल क्लियरेंस। ये रेडियल क्लियरेंस क्या होता है राजे, ये आपको नजर आ रहा है डायमीटर। ठीक है, इसको छोड़िए, ये क्या है, दैट्स माय रेडियस, रेडियस ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और ये बताइए ये क्या है, कैपिटल आर, ये क्या चीज है, ये है रेडियस ऑफ बियरिंग। ठीक है, ये कैपिटल आर है रेडियस ऑफ बियरिंग, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ शाफ्ट। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है राजे, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, दैट इज माई, ये क्या चीज है, दैट्स माई रेडियल, रेडियल आर एडीआईएल, रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ बेयरिंग माइनस रेडियस ऑफ शाफ्ट और जर्नल, दैट इज इक्वल टू क्लियरेंस रेडियल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेडियल क्लियरेंस। एक और चीज जो अपन मेडिकल्स में कई बार गेट में देखने को मिली है वो है डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है, अब ये डायमेट्रल क्लियरेंस क्या होती है, सपोज स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट या जर्नल, कैपिटल डी है, कैपिटल डी, कैपिटल डी है हमारा डायमीटर ऑफ द बियरिंग या बुश या होल। ठीक है, तो मतलब कैपिटल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी यानी डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ बेयरिंग माइनस डायमीटर ऑफ शाफ्ट या फिर जर्नल इज इक्वल टू सी डायमेट्रल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है, तो डाया माइनस डाया ये इससे मुझे मिलता है डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है, और रेडियस माइनस रेडियस इससे मुझे मिलता है रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये है रेडियल क्लियरेंस और ये भी क्या होगा, रेडियल क्लियरेंस, और इन दोनों का जो सम होता है वो होता है डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है, तो रिलेशन क्या आ जाता है मेरे पास, एक और रिलेशन क्या आ जाता है कि ट्वाइस ऑफ सी रेडियल, ठीक है, रेडियल क्लियरेंस का दुगना होता है राजे मेरा सी डायमेट्रल। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखिएगा राजे, अगर रेडियस यहां पर रेडियस है तो नीचे क्या आएगा, रेडियल क्लियरेंस। अगर यहां पर आप कोई और बुक रेफर कर रहे हैं, अगर आप डायमीटर लिख रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा, डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है,
तो ये हमने विस्कोसिटी पढ़ लिया, ये है रोटेशंस पर सेकंड, ये है हमारा रेडियस, ये है हमारा रेडियल क्लियरेंस। अब आ जाता है पी, ठीक है। पी क्या चीज है राजे? पी है बियरिंग प्रेशर, ठीक है। पी क्या चीज है? पी ये क्या है राजे? ये है बियरिंग प्रेशर, ठीक है। ये बियरिंग प्रेशर क्या चीज है? क्या सपोज कीजिए राजे, सपोज कीजिए ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये आपके सामने एक शाफ्ट है, और ये इसका काले वाला हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये काले वाला, ये जो काले वाला हिस्सा है, ये इसका वो हिस्सा है जो बियरिंग के अंदर है, मतलब जो शाफ्ट है वो बियरिंग से आर पार हो रही है, ठीक है। तो राजे सपोज कीजिए स्मॉल डी, ये क्या है? शाफ्ट का डाया, ठीक है, और शाफ्ट का वो हिस्सा जो बियरिंग के अंदर है उसकी लंबाई है स्मॉल एल, ठीक है। शाफ्ट का वो हिस्सा जो बियरिंग के अंदर है उसकी लंबाई है स्मॉल एल, ठीक है। तो अब राजे जब मैं ऊपर से देखूंगा, अब जैसे लोड डाल रहा हूं, ये शाफ्ट है, ऊपर से लोड डाल रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, लोड डाल रहा हूं, तो जब मैं ऊपर से देखूंगा, या आप अगर यहां से देख रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया कितना नजर आ रहा है? यह है डायमीटर डी, और यह है उस हिस्से की जर्नल की लंबाई एल, यह है डायमीटर डी, यह जर्नल की लंबाई एल, तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया कितना नजर आ रहा है? डी इंटू एल, डायमीटर इंटू एल, ठीक है। तो यह प्रोजेक्टेड एरिया है, और इतने हिस्से पे मैं लोड डाल रहा हूं, कैपिटल एल लोड, ठीक है, लोड क्या डाल रहा हूं? कैपिटल एल लोड, ठीक है। तो ऐसे में बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में हमें इस्तेमाल करना है, बियरिंग प्रेशर पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स माय लोड, लोड डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, लोड डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। लोड क्वेश्चन में दे रखा होगा, लोड क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको ध्यान इतना रखना है कि क्वेश्चन में लोड जनरली दिया गया होता है किलो न्यूटन्स में, आपको उसे न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, ये कैसे आएगा? दैट विल बी माय एल मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। एल क्या होगा? एल ये होगा लेंथ ऑफ जर्नल, क्वेश्चन में दे रखा होगा। डी इज डायमीटर ऑफ जर्नल, ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो लोड डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया है एल इंटू डी, दैट विल गिव माई बियरिंग प्रेशर, ठीक है। और अगर मेरे लेंथ और डायमीटर दोनों मीटर्स में है, तो इसकी वैल्यू किस यूनिट्स में आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसकी वैल्यू किन यूनिट्स में आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अब आपको बियरिंग प्रेशर निकालना आगे, क्वेश्चन में लोड दे रखा है डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, जो कि डायमीटर इनटू लेंथ ऑफ द बियरिंग या ऑफ द जर्नल। तो इससे मेरा प्रेशर आ गया, बियरिंग प्रेशर आ गया पी। इसको मैं यहां पुट कर दूंगा, जेड एन बाय पी आर बाय सी का स्क्वायर, दैट विल बी गिव माई सोमरफेड नंबर, और हमें गेट के पेपर में 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान रहता है। अब आइए देखते हैं कि गलती स्टूडेंट करता कहां पे है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो राजे आपको एक ही बात बोल रहा हूं मैं, एक बात, आपकी गलती कभी पूरे गेट में कहीं नहीं होगी। आपको यूनिट्स कंसिस्टेंट रखनी है, ठीक है, आपको यूनिट्स कंसिस्टेंट रखनी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? क्या कि अगर विस्कोसिटी है राजीव, मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या होता है। एस क्या है? सोमरफेल्ड नंबर, ये डायमेंशनलेस है, यूनिट्स दे मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो अगर विस्कोसिटी अगर मैं ले रहा हूं पास्कल सेकंड में, ठीक है, विस्कोसिटी में ले रहा हूं पास्कल सेकंड में, रोटेशंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, रोटेशंस किस में होता है? रोटेशंस पर सेकंड में, तो उसकी यूनिट क्या होंगी? पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड में, ठीक है। और नीचे बियरिंग प्रेशर, ये भी मैंने आपको कहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, सो इट गिव्स मी पास्कल, ठीक है, ये आ गया पास्कल में ब्रैकेट में। अब ये रेडियस है, ये क्लियरेंस है, दोनों ही हम किस में ले रहे हैं? मीटर्स में, मीटर्स में और मीटर्स में, ठीक है। ये तो ये मेरे फॉर्मूले के डायमेंशंस बन रही है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, पास्कल से पास्कल कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास एक डायमेंशंस नंबर बच जाएगा, ठीक है। आप अब क्या कर सकते हैं राजी, आपको ध्यान कहां रखना है? अगर आप डायमीटर मीटर्स में ले रहे हो तो क्लियरेंस मीटर्स में लेना, अगर आप डायमीटर एमएम में ले रहे हो तो क्लियरेंस एमएम में लेना, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोटेशंस हमेशा पर सेकंड में होंगी, कुछ बुक्स में रोटेशंस पर मिनट में दी गई है, मैंने खुद देखा है, आपको रोटेशंस पर सेकंड में लेनी है, आपका आंसर तभी मैच करेगा, ठीक है। और दूसरे राजी विस्कोसिटी मेगा पास्कल सेकंड्स में है, और नीचे मैं क्या ले रहा हूं? पास्कल ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा राजे, अगर आप पास्कल की जगह अगर विस्कोसिटी मेगा मेगा पास्कल सेकंड में लेते हैं, तो नीचे जो बेयरिंग प्रेशर है वो भी किस में होगा? मेगा पास्कल्स में होगा, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर विस्कोसिटी आप मेगा पास्कल सेकंड में ले रहे हैं, तो
तो आपको जो बियरिंग प्रेशर है वो भी किसमें लेना है, मेगा पास्कल में, ठीक है। मैं आपको एक बात बताया तो जो ऑलरेडी आपको मालूम है क्या कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है हालांकि, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अगर लेंथ mm में है और डायमीटर भी mm में है, ठीक है, तो आप लोड को mm स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जो बेयरिंग प्रेशर है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, दैट विल गिव मी माई प्रेशर इन मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, मेगा पास्कल के। अगर आप ये लेने हैं तो आपको विस्कोसिटी में मेगा पास्कल सेकेंड में लेनी है, ठीक है। तो इस चीज से मतलब आपने ये समझ लिया है, अगर इस बार गेट के एग्जाम में अगर सोमरफेल्ड नंबर का क्वेश्चन आया या आईईएस में या किसी भी एग्जाम में अगर सोमरफेल्ड नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आराम से उसे हैंडल कर लेते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन हम अभी हमने इस तरफ इसे पढ़ा है, हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई होता है। मोनोराजी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी जो लेक्चर्स हैं अगर वो आपको पसंद आते हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी लेक्चर हमारा आपको पसंद आता है आप प्लीज़ उसे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो उसे शेयर कीजिएगा। ये मेरी एक छोटी सी फीस है, अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सोमरफेल्ड नंबर का, ये आया था 2014 में, 2 मार्क्स का आया था, ये 2014 के अंदर आया था फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा था, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर लोड दे रखा था, ठीक है, और वो था 2000 न्यूटन्स, ठीक है, और रोटेशंस दे रखे थे मिनट्स में और वो थे 2000 rpm, ठीक है। डायमीटर था इस क्वेश्चन के अंदर वो था 40 mm और लेंथ थी जर्नल की 40 mm, ठीक है, और क्लियरेंस रेडियल हमें दिया हुआ था, ठीक है, इट वाज 20 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है, 10^-6, ठीक है, और विस्कोसिटी हमें एब्सोल्यूट दे रखी थी 0.03 पास्कल सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये सब हमें दिया गया था, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन था कि हमें सोमरफेल्ड नंबर निकालना है, ठीक है। तो सोमरफेल्ड नंबर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सोमरफेल्ड नंबर होता क्या है, S इज इक्वल टू Zn/P इंटू R/C होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z की वैल्यू मुझे विस्कोसिटी की वैल्यू, दे रखी है मेरे मनचाही यूनिट्स में, पास्कल सेकंड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। n मुझे चाहिए रोटेशन पर सेकंड में, पर यहां पर RPM में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं ns की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 2000 rpm/60, ठीक है। तो 2000/60 ये क्या आ जाएगा मेरा ns, ठीक है, वहां पर रोटेशन पर मिनट है, ये आ गया पर सेकंड में, ठीक है। अब निकालता हूं बेयरिंग प्रेशर, बेयरिंग प्रेशर मेरा कितना आ रहा है, एक्चुअल में सबसे पहली बात राजे जो डायमीटर है ये मुझे mm में दिया हुआ है और मैं हमेशा SI यूनिट्स में ही काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 40 mm ये है 4 सेंटीमीटर्स या फिर ये कितना हो गया 0.04 मीटर्स। उसी तरह से लेंथ भी है 40 mm तो ये है मेरा 4 सेंटीमीटर्स, ये हो गया 0.04 मीटर्स, ठीक है। इस तरह के बेयरिंग्स जिनमें लेंथ और डायमीटर बराबर होता है उन्हें स्क्वायर बेयरिंग्स भी कहते हैं, स्क्वायर बेयरिंग। अगर स्क्वायर बेयरिंग का क्वेश्चन है यानी कि लेंथ और डाया दोनों चीजें बेयरिंग की बराबर है, ठीक है। तो रेडियस डायमीटर आ गया ये, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस मेरे पास आ जाएगा डायमीटर का हाफ, तो ये क्या आ गया 0.02 मीटर्स, ठीक है। तो रेडियस आ गया मेरे पास 0.02 मीटर्स, ठीक है। तो क्लियरेंस मुझे दे रखी है, क्लियरेंस अगेन मुझे दे रखी है 20 माइक्रोमीटर्स में और मुझे मीटर्स में चाहिए, तो क्लियरेंस रेडियल, और रेडियल दी गई है मुझे, रेडियल ही चाहिए,
सो इट इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁶, माइक्रो होता है 10⁻⁶, ठीक है, तो 20 × 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है, तो रेडियस, तो मेरे पास जेड की वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर जैसी चाहिए वैसी है, 0.03 पास्कल सेकेंड, एन मैंने निकाल लिया है अपना, पी की वैल्यू, बेरिंग प्रेशर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो बेरिंग प्रेशर मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया एल इंटू डी, तो लोड मुझे कितना दिया हुआ है 2000 न्यूटन्स, जो कि न्यूटन्स में होना चाहिए, लेंथ है मेरे पास 0.04 और डायमीटर भी क्या है मेरे पास 0.04, ठीक है, तो ये आ गया मेरा बेरिंग प्रेशर, ठीक है, पी आ गया, रेडियस मैंने निकाल लिया है, क्लियरेंस मैंने निकाल लिया है, तो आइए वैल्यू पुट करते देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, सोमरफेल्ड नंबर इज इक्वल टू जेड, जेड है मेरा 0.03 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन की वैल्यू है 2000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी, डिवाइडेड बाय पी, पी की वैल्यू है 2000 डिवाइडेड बाय 0.04 × 0.04, ठीक है, तो ये नीचे से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा × 0.04 × 0.04, ठीक है, ये पी आ गया, इंटू रेडियस मुझे कितना दिया गया 0.02 डिवाइडेड बाय, क्लियरेंस राजे मुझे दी गई 20 × 10⁻⁶, ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माय सोमरफेल्ड नंबर, ठीक है, तो निकाल के देखते हैं, इट इज 0.03 मल्टीप्लाइड बाय, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये 2000 से 2000 कट जाएगा, ठीक है, ओके, तो 0.03 × 0.04 का स्क्वायर, 0.03 × 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर स्क्वायर भी आएगा राजी, स्क्वायर आएगा आर बाय सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, ठीक है, तो जब सॉल्व करते हैं इट गिव्स मी आंसर 0.8, ठीक है, तो एग्जैक्टली यही आ रहा है 0.8, ठीक है, सो दैट्स माय सोमरफेल्ड नंबर, ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करें ध्यान रखिएगा गेट के एग्जाम में आपको डेसिमल के चार डिजिट्स तक सही आंसर निकालने, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, तो अब आप गेट में या किसी भी एग्जाम में सोमरफेल्ड नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। इससे अगला जो टॉपिक है जो गेट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है पावर लॉस इन अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, तो आइए देखते हैं कि पावर लॉस एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में किस तरह से निकाली जाती है।